नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस किचन में। आज मैं बनाऊंगी सभी को पसंद आने वाली बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू किसी भी त्योहार में बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1 कप बूरा, जितना बेसन लेंगे उतना ही बूरा भी लेंगे, आधा कप घी, 6-7 कुटी हुई इलायची और 6-7 बिल्कुल बारीक कटा हुआ काजू। अब हम कढ़ाई गरम कर रहे हैं, कढ़ाई में डाल देंगे घी, सारा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे, और इसमें डाल देंगे ये बेसन। अब हम बेसन को लो फ्लेम पे अच्छी खुशबू आने तक भून लेंगे। बेसन को हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, नहीं तो बेसन हमारा जल सकता है और लड्डू हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। 20 से 25 मिनट टाइम लग जाएगा हमें ये बेसन भूनने में। लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है। बेसन में से अच्छी खुशबू आने लगी है, इसमें हम थोड़ा और घी डाल देंगे। इसे थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। बेसन में से अच्छी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच दूध। इससे हमारा लड्डू दानेदार बनेगा। इसमें बिल्कुल बबल हो गए हैं, देखिए, इससे हमारा लड्डू बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। बिल्कुल फ्लफी हो गया है हमारा बेसन। इसमें डाल देंगे ये कुटी हुई इलायची, काजू, और इसको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे सबको। ये बिल्कुल दानेदार लड्डू बनेगा। दूध की जगह पे आप पानी भी डाल सकती हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा करेंगे। अब हम बेसन को पंखे के नीचे या खुले में रख देंगे ठंडा होने के लिए, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बेसन का मिश्रण हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। ये अच्छी तरीके से ठंडा होना चाहिए, तभी इसमें हम अपना बूरा मिलाएंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं बूरा। जितना हमारा बेसन रहेगा उतना ही बूरा लेंगे, या अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज्यादा कर सकती हैं। इसे हम अच्छे तरीके से हाथ से मिला लेंगे। बेसन में अच्छे तरीके से बूरा मिला लिया है मैंने। अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। बिल्कुल अच्छा दानेदार लड्डू ये बनके तैयार होता है। इसमें ये एक काजू, काजू के 2 टुकड़े मैंने कर लिए हैं, एक इस तरीके से चिपका लेंगे इस पे। इस तरह लड्डू बना लेंगे हम। इस पे हम ये काजू इस तरीके से चिपका लेंगे। इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। बेसन का दानेदार लड्डू बनके तैयार हो गया है। इसे हम 2 से 3 घंटे तक खुली हवा में रखेंगे, फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के 2 से 3 वीक तक इसे आराम से रखा जा सकता है। इसे आप किसी भी त्योहार पे बना सकती हैं। ये बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको ये बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।